हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं खेतों से। तो अभी जो है मैं और मेरे हस्बैंड कर रहे हैं खेतों में सफाई, क्योंकि हमने जो है अभी खेतों में जो है जुताई करनी है, फिर उसके बाद जो है हमने मक्की भी बीजनी है। तो इसके लिए हम खेतों को जो है बिल्कुल साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि मक्की काटने के बाद जो है इनमें बहुत से खरपतवार उग गए हैं, जो कि अब हम निकाल रहे हैं। और आज धूप जो है अच्छी खासी लगी हुई है, और पशुओं को जो है हमने बाहर बांध कर रखा हुआ है। और ये है मेरी शानू। शानू जो है 8 महीने की हो गई, और ये बड़ी गाय के बराबर हो गई है अब, और बहुत ज़्यादा शरारती है। इसको नहलाना था मैंने ना, लेकिन टाइम ही नहीं लग रहा है। और धूप जो है बहुत अच्छी लगी हुई है, और आज था संडे। संडे के दिन जो है सुबह के टाइम मैंने कपड़े वगैरह वॉश कर लिए, और मिर्ची वगैरह भी निकाली हुई थी किचन गार्डन से। मिर्ची को सूखने के लिए रख दिया है, क्योंकि जब हम मिर्ची को सुखाते हैं तो तब काफ़ी लंबे समय तक रहती है मिर्ची। मैं और मेरे हस्बैंड नीचे खेतों में सफाई कर रहे थे और काम बांट कर रखा हुआ था। रिया जो है खाना बना रही थी, और मोहित को बोला था कि जो हमारी क्यारी है तो इसको जो है कुदाल से खनाई कर दे, फिर बाद में जो है हमने इसमें लहसुन बीजना था। एक खेत तो हमने बीज दिया है, और अभी जो है दूसरे खेत को कुदाल से जो है खनाई कर रहा था मोहित। और सूरज देखिए कितना चमक रहा है। टाइम था 12 बजे का, तो धूप जो है बहुत ज़्यादा जोरों पर लगी हुई थी, और गर्मी भी बहुत थी। और व्यू देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर लग रहा है व्यू। और खेत जो है बीच बीच में हमने कई खेत जो है साफ भी कर लिए हैं, और कई खेतों में जो है बहुत ज़्यादा घास है अभी। और इनकी जो है बीड़ बोलते हैं हम, जो दीवार वाली साइड होती है, तो इनमें भी बहुत ही ज़्यादा घास है। तो ये सारा जो है हमारे को कट करके निकालना है, साफ़ करना है खेत को। तो आजकल चला हुआ है हमारे ये काम। और यहाँ पर मैं फिर घर में आ गई थी और बना रही थी सब्जी। सब्जी के लिए मैंने ऑयल जो है डाल दिया है, और साथ में जो भी मसाला हमारा रहता है, प्याज लहसुन अदरक जो है, मिर्च जो है मैंने इसमें नए वाली जो अभी निकली हुई है वो डाली है, जो कि अच्छे से जो है जल भी नहीं पाई, क्योंकि ये अभी अच्छे से सूख नहीं पाई थी। तो मैंने डाल दिया फिर सब कुछ इसमें, और आज बना रहे हैं भिंडी की सब्जी। खेतों की सफाई करना जो है सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि उसमें जो है जो मक्की के होते हैं छिलाटे, उनसे कटने का भी बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो यहाँ पर जो है सब्जी डाल दी है, यहाँ पर भिंडी डाल दी है तड़के में। ये थी हमारी बरसात की जो भिंडी की सब्जी थी, इसकी लास्ट। और भिंडी जो है हमने अब कट कर ली। उन खेतों में हमने जो है लहसुन की बिजाई कर दी। अब निकाले तो करेले भी थे, लेकिन करेले बनाने में जो है मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, तो करेले नहीं बनाए आज, तो आज भिंडी की बनाई। और साथ में इधर बन रही है चाय। अभी जो है मैं काउसेट से आई हूँ, और बच्ची यहाँ पर रिया जो है सब्जी बना रही थी, और मोहित बना रहा है चाय। और आप लोग बोलते हो ना, ये जो है इनकी जो है बॉटल इधर ही पड़ी होती है, लेकिन ये हाँ इधर ही पड़ी होती है। ये हम जो है डेयरी वाले को दूध देते हैं, तो फिर धो धा के हमने इधर ही रखी होती है। तो डेली के ब्लॉग में अगर किचन का मैं डालती हूँ, तो किसी ने मुझसे पूछा था कि आपका जो डाइनिंग टेबल है वो क्या लकड़ी का है या शीशे का है, कांच का है? तो जी, हमारा लकड़ी का नहीं है, हमारा कांच का ही है। इसको हमने कवर अप किया होता है कवर से, क्योंकि जो है बच्चे जोर से बर्तन वगैरह कई बार रख देते हैं, तो इससे टूटने का डर रहता है, इसलिए हमने इसके ऊपर कवर चढ़ा कर रखा हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक कांच का है, दिखाती हूँ मैं।
और शाम के टाइम का नज़ारा मैं दिखाती हूँ आपको। पहाड़ों पर जहाँ पर घर है लोगों के, तो वहाँ पर लाइटें जगमग जगमग कर रही है। अब जो है पहाड़ों में भी नज़दीक नज़दीक जो है घर बन रहे हैं, और जो हमने कपड़े दिन में धोए हुए थे वो अभी उठाए नहीं हैं, तो इनको उठाएंगे बाद में। तो चलिए मैं चलती हूँ अब रूम में और सिलती हूँ उन कपड़ों को जो मैंने काट के रखे हुए हैं, और मैं दिखाती हूँ आपको कौन कौन से कपड़े जो है मैंने सिलने हैं, जो कि मुझे कल देने को हैं।